भागलपुर का काली पूजा समारोह बुधवार को प्रशासनिक व्यवस्था, पूजा समितियों और शहरवासियों के सहयोग से संपन्न हो गया। इसको लेकर मंगलवार की रात जिला और पुलिस प्रशासन की निगरानी में भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व पर्वती की मां बुढ़िया काली की प्रतिमा ने किया। वहीं जिला और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बीच केंद्रीय काली पूजा महानगर महासमिति की देखरेख में पर्वती काली मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, जिसके बाद बारी बारी से शहर के अलग अलग इलाकों में स्थापित मां काली की प्रतिमा शोभा यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान छोटी साहेबगंज, कंपनी बाग, भिकनपुर, इशाकचक, मुंदीचक, खंजरपुर, आदमपुर, उर्दू बाजार समेत अलग अलग इलाकों से मां काली की प्रतिमा के देर रात स्टेशन चौक पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान अस्त्र शस्त्र के वाहन से लैस युवाओं का हुजूम भक्ति और फिल्मी धुनों पर झूमता रहा, जबकि हर आयु वर्ग के युवाओं के साथ बच्चे भी शोभा यात्रा में करतब दिखाते नजर आए। वहीं मंगलवार की रात शुरू हुआ विसर्जन शोभा यात्रा बुधवार को पूरे दिन शहर के विभिन्न विसर्जन मार्गों से होकर गुजरता रहा और मुसहरी घाट पर प्रशासन की ओर से बनाए गए कृत्रिम प्रतिमा विसर्जन घाट पर पहुंचा। एक ओर जहां पूरी रात स्टेशन और ततारपुर समेत उसके आसपास एवं शहर के अलग अलग इलाकों से बैंड, बाजा और डीजे की धुन पर प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा गुजरता दिखा, वहीं बुधवार की सुबह से ही शहर के सभी विसर्जन शोभा यात्रा मार्ग में मेला का माहौल बन गया, जहां भागलपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों के अलावा दूर दराज से भी लोगों की भीड़ विसर्जन शोभा यात्रा देखने के लिए उमड़ती रही। एक ओर जहां काफी संख्या में कतारबद्ध होकर मां काली की प्रतिमा विसर्जन घाट की ओर बढ़ती रही, वहीं दूसरी ओर सिकंदरपुर, मिर्जानहाट, हसनगंज समेत कई इलाकों से पूजा समिति के द्वारा विसर्जन के लिए धूमधाम से काली प्रतिमा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में पुरुष और युवाओं के अलावा महिलाएं एवं युवतियों के साथ बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इधर विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान अलग अलग पूजा समिति की प्रतिमा के साथ लाठी, भाला और तलवार समेत कई तरह के अस्त्र शस्त्रों से युवाओं द्वारा कलाबाजियों का प्रदर्शन किया गया, जबकि विभिन्न अखाड़ों द्वारा तरह तरह के करतब दिखाए गए। इधर बुधवार को नया बाजार, गौशाला रोड, बूढ़ानाथ, आदमपुर, खंजरपुर समेत विभिन्न विसर्जन मार्गों से होते हुए सभी प्रतिमा बारी बारी से काली विसर्जन मुसहरी घाट पहुंची, जहां एनजीटी की गाइडलाइंस के अनुसार बनाए गए कृत्रिम तालाब में प्रतिमा विसर्जित की गई। वहीं बूढ़ानाथ बमकाली की प्रतिमा शहर के खलीफाबाग चौक पर पूरे दिन खड़ी होकर शोभा यात्रा की अन्य प्रतिमाओं के गुजरने का इंतजार करती रही और आखिरी में अभिभावक की भूमिका में विसर्जन घाट की ओर आगे बढ़ी। इधर विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल और दूर दराज से दर्शन करने आए लोगों के लिए कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों के द्वारा जल एवं शरबत का सेवा शिविर लगाया गया था, जहां शोभा यात्रा में शामिल युवाओं के साथ मेला देखने पहुंचे लोगों को भी जल और शरबत दी गई। भ्रातृ द्वितीया या यम द्वितीया के दिन की जाने वाली चित्रगुप्त पूजा को लेकर बुधवार को भागलपुर समेत देश भर में कांस्य समाज के लोगों के द्वारा समारोह पूर्वक चित्रगुप्त भगवान की पूजा की गई। इसको लेकर शहर के इशाकचक, सिकंदरपुर, मानिकपुर, मुंदीचक और बुढ़िया काली मंदिर परिसर समेत जिले के विभिन्न स्थानों पर चित्रगुप्त महाराज की पूजा विधि विधान के साथ की गई। बुधवार को चित्रगुप्त पूजा में कांस्य समाज के अलावा और भी कई समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। सृष्टि के सभी जीवों के कर्मों और जीवन मृत्यु का लेखा जोखा रखने वाले और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के काया से उत्पन्न भगवान चित्रगुप्त की पूजा के साथ इस दिन कांस्य समाज के लोगों द्वारा कलम दवात की भी पूजा का विशेष महत्व है, जिस कारण इसे दवात पूजा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति या जीवों के कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग या नर्क लोक की प्राप्ति होती है, जिसका लेखा जोखा चित्रगुप्त महाराज रखते हैं। मान्यता है कि धर्मराज के सहायक और जन्म मृत्यु समेत सृष्टि के हर प्रकार का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त के 12 पुत्रों की संतान से कांस्य समाज की उत्पत्ति हुई और कांस्यों के इष्ट या आराध्य होने के कारण कांस्य समाज के लोग विशेषकर इनकी पूजा बड़ी धूमधाम से करते हैं। बदलते समय और जागरूकता के साथ अब अन्य समाज के लोग भी चित्रगुप्त पूजा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम, उत्तरवाहिनी गंगा तट समेत जिले के कई गंगा घाटों पर लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर छठ व्रतियों की भीड़ गंगा स्नान करने उमड़ने लगी है। इसको लेकर बुधवार को भी भागलपुर और आसपास के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से छठ व्रतियों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं छठ व्रती महिलाओं ने बताया कि 17 नवम्बर को कद्दू भात से
चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएंगी, जिसके बाद 18 नवंबर को खरना पूजन और भोग के बाद 19 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 20 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 36 घंटे के उपवास का महापर्व छठ संपन्न हो जाएगा। इधर अजगविनाथ के उत्तरवाहिनी गंगा घाट में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने घर में शुद्धिकरण का कार्य पूरा कर छठ पूजा करने की बात कही, जिसको लेकर साफ सफाई और रंग रोगन भी किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष छठ महापर्व के दौरान उत्तरवाहिनी गंगा तट पर बिहार झारखंड के विभिन्न इलाकों से महिलाओं एवं छठ व्रतियों की भीड़ गंगा स्नान और पूजन के लिए जुटती है। इधर गंगा घाट में सुरक्षा व्यवस्था और सफाई को लेकर कई संगठनों के द्वारा छठ व्रतियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था कराने की मांग जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन से की गई है, जिससे किसी प्रकार की परेशानी श्रद्धालुओं को न हो। वहीं प्रशासनिक स्तर से कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश देकर खतरनाक और संवेदनशील गंगा घाटों पर बैरिकेटिंग की व्यवस्था के साथ साफ सफाई करने की बात कही गई है। जबकि अर्घ्य पूजन के दौरान गंगा तटों पर एसडीआरएफ की टीम वोट से लगातार गश्ती करेगी। दीपावली के बाद यम द्वितीय के दिन मनाए जाने वाले भ्रातृद्वितीय त्यौहार का महत्व वैसे तो काफी बड़ा है, लेकिन बदलते समय के साथ जहां कई पर्व समय के अभाव में अपना महत्व खोते जा रहे हैं, वहीं भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक यह त्यौहार कई सकारात्मक संदेश भी दे रहा है। आमतौर पर भाई दूज पर बहने अपने भाई को टीका लगाती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भाई बहन के बारे में बता रहे हैं जो उम्र में अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी अपनी संस्कृति के प्रति समर्पण और भाई बहन के अटूट प्रेम के महत्व को दर्शा रही है। दरअसल बांका के जगतपुर निवासी 91 वर्षीय केशव चंद्र सिन्हा की 5 बहन भी अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर बढ़ चली हैं, लेकिन इसके बाद भी बुधवार को अपने भाई को टीका देने के लिए पहुंची। बता दें कि 96 वर्षीय जोपू रानी घोष, 94 वर्षीय आनू वाला दास, 87 वर्षीय मनोरमा वाला दास, 81 वर्षीय अरुणा चौधरी और 78 वर्षीय कृष्णा घोष वृद्धावस्था में भी अपने भाई को टीका देना नहीं भूलती हैं, जो समाज के लिए रिश्तों की एक मिसाल है। इस दौरान भाई ने अपनी बहनों को स्वस्थ और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, वहीं बड़ी बहन ने भी अपने छोटे भाई के कुशल होने की कामना की। पहली बार 24 हफ्ते तक कैथी चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के पीरपैंती में धान अधिप्राप्ति 2023-24 को लेकर बुधवार को पैक्स रिफातपुर सीमानपुर में बीडीओ रवीश रवि और सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार के द्वारा धान अधिप्राप्ति का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस दौरान एक किसान से धान की खरीदारी की गई, जिसके बाद धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया प्रखंड में शुरू हो गई। मौके पर प्रदीप कुमार सिंह, त्रिलोकी यादव, फिदा हुसैन, कुंदन यादव समेत पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक मौजूद रहे। उसका पूरा फायदा भी लीजिए, बिचौलियों के संपर्क में मत आइए। आप डायरेक्ट पैक्स से संपर्क कर सकते हैं और पैक्स के द्वारा आपको बहुत सारी सुविधा भी प्रदान की जाती है। अभी वर्तमान में प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत कृषि विभाग के द्वारा आपको मिनिमम सब्सिडी रेट पे आपके उर्वरक उपलब्ध हैं। मेरा आप सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि आप वहीं से अधिप्राप्ति या खरीद करिए। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड को कहलगांव अनुमंडल कार्यालय से जोड़ने वाली दादर से
टिकलूगंज तक की सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर क्रिनव निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बुधवार को चंदन नगर के समीप भूमि पूजन का कार्य किया गया। इस दौरान कंपनी के अभियंता प्रत्युष कुमार ने इंजीनियर विकास कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर त्रिभुवन शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की। मौके पर राजेंद्र यादव, रणविजय मिश्रा, मुकेश यादव, प्रदीप सिंह सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं इतने महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल है।